हरिओम, हर हर महादेव एवरीवन, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू जो मेरे अगले वीडियो को आपने बहुत सारा लाइक्स दिया, बहुत सारा शेयर किया। और मैं हूं हर्ष महाराज, जो आपके सामने आया हूं। और यही प्रयास है कि नवरात्र की जो भक्ति है उनको और आगे बढ़ाया जाए। नवरात्र सिर्फ गरबा खेलना, डांडिया खेलना उस तक सीमित नहीं है। नवरात्र है माँ की भक्ति करना, माँ की उपासना करना, माँ को नैवेद्य अर्पण करना और उस नैवेद्य का प्रसाद सभी घर वालों को देना। बस यही प्रयास को आगे बढ़ाते हुए, यही ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाते हुए, ये मेरा जो दूसरा वीडियो है वो है नवरात्र का दूसरा दिन, यानी 11 अक्टूबर 2018 थर्सडे के लिए मैं ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ आपके सामने। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे फेसबुक आईडी से या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9833027527 इस नंबर से जिस लोगों ने ये वीडियो लिया और इस वीडियो को पूरे देश में, पूरे इंडिया में और इंडिया से कहीं बाहर, लिमिट के बाहर इसको शेयर किया गया और लोगों ने इसका बहुत ही आनंद उठाया इस वीडियो से, और माँ की परम भक्ति, सच्ची भक्ति हुई है। और आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में कि माँ का एक प्रभाव होता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ हमें जो एनर्जी प्रदान करती है। कल की जो मेरी एनर्जी लेवल थी उससे मैंने आज जो मंत्र जप किया था, जो मैंने शैल पुत्री का मंत्र जप किया था, उस शैल मंत्र पुत्री के मंत्र जप से मेरी एनर्जी लेवल कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और होप कि आपकी भी एनर्जी लेवल उतनी बढ़ गई होगी। तो चलिए आज का वीडियो जो है दूसरा दिन माता जी का, और वो माता रानी का दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी माता। हमारा मूल मंत्र तो वही रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये 9 दिन का निर्वाण मंत्र हम लोग जप कर रहे हैं, लेकिन आज का दूसरा दिन का सबसे उत्तम उत्तम मंत्र है वो है माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। मैं रिपीट करूंगा इस मंत्र को, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। आप स्फटिक की माला हाथ में ले रहे हैं, आपके सामने दिया भी है और आपके नीचे आसन भी है, और आज आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करेंगे, लेकिन इसके साथ में ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः इस मंत्र का भी जप करेंगे। और माँ को नैवेद्य है वो है शक्कर का, यस एग्जैक्टली शुगर का जो नैवेद्य है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वो नैवेद्य का हम क्या करेंगे, अरे वो नैवेद्य है, वो माता रानी का प्रसाद है, वो आपके लिए ही है, आपके परिवार लोगों के लिए है, और वो प्रसाद आप अपने परिवार को दीजिएगा, आप लीजिएगा। प्रसाद ये सर्व दुखानाम हानि रस्यो बजायते, गीता में भगवान विष्णु ने कहा है, कृष्ण ने कहा है कि प्रसाद लेने से जीवन में सारे दुख जो दरिद्र होते हैं उनका नाश होता है। तो चलिए, और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र होगा, जो लक्ष्मी सिद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र उपासना करें जो सिद्ध रहेगा। तो यदि आप ये दो मंत्र तो मैंने आपको दे दिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये तो डेली रहेगा, और दूसरे दिन का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः, ये दूसरे दिन का मंत्र है। लेकिन यदि ऐसे कुछ कुछ मंत्र हैं जो चंडी पाठ में बताए हैं, दुर्गा सप्तशती में बताए हैं कि जो मंत्र से हम जो चाहें वो प्राप्त हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है। यदि आपके मन में सौभाग्य, आरोग्य और सुख की इच्छा है, एब्सोल्युटली किसी को भी होती है, सौभाग्य आरोग्य और सुख, ये सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसके ऊपर हमारे जीवन चल रहा है। तो वो चीज़ प्राप्त करने के लिए एक अच्छा सा मंत्र है, बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ में इस वीडियो के द्वारा आपको ये मंत्र बहुत अच्छे से आ जाएगा। देही सौभाग्य आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। मैं मंत्र को रिपीट करता हूं, देही सौभाग्य आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। बस एग्जैक्टली ये मंत्र है, ये मंत्र सौभाग्य आरोग्य और सुख प्राप्ति के लिए ये मंत्र हम लोग जप करेंगे। यदि आप चाहें तो माता रानी के सामने बैठकर 108 मंत्र जप आप इसके भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें प्रदान होगी जो आपके मन में कामना है। ये मेरे नहीं, ये दुर्गा सप्तशती पाठ के वचन है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी आप उतना ही आगे बढ़ाएंगे,
ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करिएगा, मुझे पता चले कि आपका साधना का अनुभव कैसा रहा, जो पहले दिन घट स्थापना की अनुभव आपने कैसी प्राप्त की वो भी प्लीज मुझे बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को आगे से आगे और ज्यादा शेयर करें। तो जिन लोगों को माँ की भक्ति करनी है लेकिन पता नहीं है कैसे की जाती है, तो उनको ये पता चले। और मेरे पास मेरे फेसबुक की जो फ्रेंड लिस्ट है वो थोड़ी बढ़ चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो आप यदि मेरे से कनेक्ट होना चाहें तो आप, यदि फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फॉलो का बटन दबा दीजिए। आप फॉलो का बटन दबाएंगे तो आप मेरे जितने भी अपडेट्स हैं वो आप पा सकते हैं। आप फेसबुक पर जाइए, हर्ष सारस्वत, HARSH सारस्वत, जो सारस्वत जो सरनेम है वो मेरी सरनेम है, तो उसके ऊपर से आप फॉलो का बटन दबा सकते हैं। मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिस फेसबुक पेज का नाम है मंत्र योग, मंत्र योग। आप मंत्र योग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी लाइक करिए, उसको भी शेयर कर सकते हैं आगे, और वहाँ पे मेरे सेम अपडेट आते रहेंगे, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो आप वहाँ पे से भी मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। और YouTube पे भी आप जा सकते हैं, YouTube पे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे बहुत सारे भजन है, मेरी कथा है, कीर्तन है, आप वहीं पे भी जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, यदि आपको तो भी कम लग रही है, तो मेरा एक नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9833027527, आई रिपीट 9833027527 एग्जैक्टली, आप इस नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। तो यदि आपके जो जेन्युइन डाउट्स रहेंगे तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपके डाउट्स मैं क्लियर करूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इसी तरह से आपकी और मेरी सभी की एनर्जी बढ़ती रहे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो। कल वापस से फिर मिलेंगे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।